जिस दिन वो भाग पाई कई महीनों के बाद, 6-7 महीने आईएसआईएस वालों के साथ हाथ में रहने के बाद, तो वो किसी तरह से जान बचा के कुछ लोग उसको छिपा के ले गए और उसे जैसे ही वो रिफ्यूजी कैंप में पहुंची, तो रिफ्यूजी कैंप में जो एक आम सिलसिला होता है, रोने धोने में नहीं लगी, वो शिकायत सुनाने में नहीं लगी, मैं विक्टिम हूं कहने में नहीं लगी। उसे पता था कि मैं तो विक्टिम हूं, मगर मेरी जैसी हजारों लड़कियां और विक्टिम हैं, उनकी जिंदगी को कैसे सुधारा जाए, उन्हें कैसे बचाया जाए इस काम में। वो 19 साल की लड़की लग गई और आज जब वो 24 साल की है, उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया दोस्तों इस साल। एंड दिस वॉज द क्राइम ऑफ रेप इन अ वॉर सिचुएशन, युद्ध के, क्योंकि ईरान में, इराक में युद्ध चल रहा है, आपको मालूम है, और ये युद्ध चल रहा है आईएसआईएस के बीच में और जो आज का इराक है, जो जिसको मैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, उनके बीच में। लेकिन दोस्तों, रेप के लिए युद्ध होना कतई जरूरी नहीं होता। हमारे समाज में तो शांति के समय भी ये नेक काम चलता ही रहता है, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, महानगर मुंबई हो, कोई अंधेरा गांव हो, कश्मीर का काठुआ हो, ये बगल का उन्नाव हो, या खुद हमारा कानपुर हो। रेप के मामले में हम पुरुष लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, फिर चाहे उम्र हो, जात पात हो, अमीर गरीब हो, पड़ोसी अनजान रिश्तेदार या कोई जानने वाला हो या कोई दुश्मन हो, रेप के मामले में हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी ही, उसको मैं रेप विक्टिम नहीं कहूंगा, वो रेप सर्वाइवर है, वो एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसने नादिया से भी छोटी उम्र में, सिर्फ 17 साल की उम्र में, एक ऐसी वैश्य दरिंदे का सामना किया जिसने ना सिर्फ महीनों उसके साथ वो सब किया जो नहीं किया जाना चाहिए एक सभ्य समाज में किसी लड़की के साथ, बल्कि जब किसी तरह से उसने जाके शिकायत की तो उसका और उसके घर वालों का जीना दूभर कर दिया उस वहशी इंसान ने। और ये सब आपके इसी कानपुर में, दूर नहीं, जहां आज एयरपोर्ट है, जहां हम सब भाग रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, उसी चकेरी में होता रहा। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने कुछ अखबारों में रिपोर्टें पढ़ी हो, मगर फिर भी मुझे नहीं पता कि आप उसे कितने, उस बच्ची से मिले हैं, कितनों ने उसे देखा है, क्योंकि अखबार में आती चीज कुछ और हो जाती है, उसके ऊपर फिर रख के थोड़ी देर में हम चाय पीने लगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप उस बच्ची से मिलें, इसलिए नहीं कि उसके ऊपर रेप हुआ, रेप तो हमारे यहाँ इस समय भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इतनी देर में 3-4 हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर 5-6 मिनट में एक रेप हो जाता है हिंदुस्तान की स्टैटिस्टिक्स, मैं नहीं कह रहा, मगर इसलिए कि वो बच्ची उस नाइटमेयर से निकली और निकल के अब से, जब से निकली है वो, उसने लॉ पढ़ा और लॉ पढ़ने के बाद में वो 200 से ज्यादा रेप विक्टिम्स की आज की तारीख में लड़ाई लड़ रही है और 100 से ज्यादा ऊपर लड़कियों को इंसाफ दिला चुकी है। मैं चाहता हूं कि तालियां भी बजती रहें, क्योंकि आपके सामने आने जा रही है कानपुर की बहादुर बच्ची साक्षी विद्यार्थी। हम उसकी कहानी साक्षी के मुंह से ही सुनेंगे। कम वक्त है आज एक प्रेस में, साक्षी आपने देखा कि हर आदमी को सिर्फ 10-10 सेकंड का समय दिया गया है, 10-10 मिनट का समय दिया गया है, तो आपको भी वही समय दिया जाएगा। लेकिन साक्षी विद्यार्थी, आप यहां आए और अपने ही शहर के लोगों को अपनी कहानी सुनाए। दोस्तों, ये बहादुर बच्ची है साक्षी विद्यार्थी। थैंक यू, थैंक यू अदुल अंकल फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस ओवर हियर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू ऑल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट, first time in our city, and we were also supposed to organize these type of event, but due to my grandfather health issue we won't, but thanks otherwise. Today I'm going to tell my experience, my traumatic life, how I started my story, how I overcome from the trauma that always people read about, that a girl was
was raped by our DSP, and then how she fought. But before that, the girl was something else. Since from childhood, I have a keen interest in making aircraft model, and for that, my father supported me, and I was supposed to be the one of the youngest aeromodeler in India when I was 9 years old. And IIT Kanpur Aviation Department recognized my skill of flying, and I got opportunity to present my skill in the front of Kalam Sahab also, and he appreciated me for my skill. And without fearing about the society, what people say, what papa say, because sometimes, you know, उनके पेपर से कुछ हो जाता था, ऐसा बना लेती थी. सो आई वॉज कंसिस्टेंटली गोइंग ऑन, बट आई डोंट नो वट माई डेस्टिनी केप्ट फॉर मी. आई मेट विद अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अ पर्सन GSP हु केम एज अ माई फादर्स फ्रेंड, हु अप्रिशिएटेड मी फॉर माई स्किल एंड बिकम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, एंड स्टार्टेड coming our place. And then one day he came in afternoon, and by adding intoxicant into my tea, he abused me sexually, and he clicked some obscene photographs and made videos, and started blackmailing me. I was totally shattered. I was 15 years that time. I didn't find any way to get out of all the thing. He scolded me, he did everything, because he was DSP, and you all can understand, for a 15-year girl, it's very difficult to overcome from that trauma. His consistent pressure even persuaded me to take my life, and one day I decided to end all of these things. I tried to tell my parents, but failed, because they have a lot of faith on that guy, and not because I feel that they trust him more than me sometime. So I failed to narrate the story, and one day I took mosquito repellent, and but I was very fortunate that time that I was saved by my family, and they supported me a lot. And when they said, why you did this harsh step, I narrated the entire story to my mom, dad, and then they decided that you need not to worry, you are my daughter, and we are here for you, we will not remain him. And we started approaching many competent authorities, and I was really shocked and surprised that they offered some money. They wanted that we sat down and you are a girl, he can compensate something. So this is the ill face of society, and when we find nobody helped us, we sat on hunger strike. We five people decided to sat on hunger strike in Ram Ashray Park, and thanks to this city that when we took this decision, we were five people. But after that, many people and the entire city started joining this movement, and this movement compelled even former chief minister, who took cognizance on fifth day, and he ordered and he sent the accused behind the bar. And even when the DGP was there, we approached even for lodging FIR, we approached DGP sir, and he said there is no charges of 376, rape charges is something like that, and we'll see what we can do. So that person, when CM sent him behind bar, the same day he was in the evening, he was in Kanpur, and he said there was no charges of and rape cases is proven, and we are just going through this. So this is the face of competent. I'm just trying to narrating or recalling this is the thing, that this is the face of people, how the girl and their family suffer from
after the traumatic incident or harsh chases of life, after 2 years we got justice. The court sentenced him with 10-year rigorous imprisonment, and after that I decided to serve my life for the welfare of women, and I made a Sakshi Foundation in which we are working for the upliftment of women and to provide social justice along with legal justice and try to socially rehabilitate them. And as the Atul uncle mentioned, we are dealing approximately 200 cases, and we also run educational programs to in slum areas, not for the children but for the parent too, because you know it's a very important at this time to understand their children, what they want and why. They will tell you. We always we are very matured and very smart. We think like that. You know, our children must come back and tell each and everything. But do you think when they something tell you, what is your reaction and how you treat them? So we organize some special programs, workshops for both for children and for the parent too. And we have so many activities for that. I made a small film production house in which I made a documentary on my traumatic experience of my life, Main Sakshi Hoon, in which I played the role of a victim also. It is based on my story, and this is also recorded in Guinness Book of World Record that I'm the first victim who did this, and I'm really thankful to my parent for not clipping my wings. After this incident, people start accusing you, but I felt that after this incident I and my parent become more familiar, and they love me more than me even. So I just want to tell you that to the parent and to the girl, that it is your fight. No one will come and write your own exam. If you have your problem, then you should come and fight and find your own solution for that. Your father will provide you everything, your mother will give you everything, but they will not say that on your behalf. They will not going to write your exam. And you know, सीता माँ रामायण में उनको भी अग्नि परीक्षा दी देनी पड़ी थी. सो उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि वो कमज़ोर थी, बस इसलिए दी थी कि उनको दिखाना था कि आज फीमेल जो है वो कमज़ोर नहीं है. अगर उनके ऊपर एक उंगली उठी है तो वो उसका जवाब, अगर ईट है तो वो पत्थर से देना जानती है. तो महिला जो है शी इज़ नॉट कमज़ोर, वो कोमल है लेकिन कमज़ोर नहीं है, और नारी का नाम ही शक्ति है. थैंक यू फॉर ऑल एंड फॉर थैंक यू अतुल अंकल अगेन. साक्षी के माता पिता यहाँ मौजूद हैं. मैं चाहता हूँ कि क्या विद्यार्थी यहाँ कहीं भी हो, क्या अपने विद्यार्थी हैं हमारे बीच में या चले गए? मिसेस विद्यार्थी, अच्छा कैप्टन साहब आई ना, अरे कहाँ गया कैप्टन साहब आई. कैप्टन साहब फ्लाइज फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड कमर चटेरी एयरपोर्ट. मिसेस विद्यार्थी का आइए, ये इन माँ बाप का सपोर्ट है इस बच्ची को, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बच्ची के साथ कुछ हो जाए तो. और दोस्तों, मैं आपके सामने कैप्टन साहब से हाथ मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जब एक पुलिस वाला आपका दुश्मन होता है और ट्रक से आपको कुचलवाता है तो क्या होता है. लेकिन ये हमारी आर्मी की बहादुरी है कि अभी भी इस आदमी को हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करना और उसकी टीचिंग करने की इजाजत दे रखी है हमारी आर्मी. और मुस्लिम विद्यार्थी, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. हम छोटा सा एक सम्मान करना चाहेंगे अपनी इस छोटी सी बिटिया का, साक्षी का. और अंजलि जी, आप किसको भेज रही हैं सामने से? नूर कहाँ है? नूर आप आइए और आप अपने हाथों से इस बच्ची
का सम्मान कीजिए। दोस्तों मैंने इसलिए साक्षी को यहां बुलाया कि पब्लिक वेरी इज वेरी वेरी शॉर्ट और 6 साल में तो कानपुर वाले भूल ही चुके होंगे, अरे यार हमारे मोहल्ले में हमारे शहर में भी कुछ ऐसा हुआ था। जी नकवी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि अंजलि जी और करक जी यहाँ आ जाएं, आप और पेरेंट्स को भी जिनकी जिनकी ये जंग है और जिन्होंने इस बच्ची को बढ़ावा दिया कि हाँ बेटा तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। जब इसने नकवी साहब को बुला रही है साक्षी यहाँ पे कि नकवी साहब के बिना तो लीगल जंग हो नहीं सकती। नकवी साहब, नकवी साहब जिनका अपने कमाल का अकाउंट थोड़ी देर पहले हसरत मानी का सुना था, जिसे आप लोग वकील साहब को भी देख लें आपको पता होना चाहिए कि कहां जाना है। आपने देखा कि नकवी साहब सिर्फ किताबें लिखते नहीं है, ही वॉक्स हिज टॉक। जो जिस बारे में किताबें लिखते हैं अगर हसरत मानी पे तो जिंदगी में करके भी लिखा। हाँ मैंने उसका केस किया था और बड़ी मुश्किल से, बड़ा जबरदस्त उधर से अपोजिशन होता था, लड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन साक्षी के माँ बाप बराबर मजबूती से जमे रहे, डटे रहे और हमारा साथ देते रहे और हर तरीके से कोशिश करके उसको फिर सजा कराई और हम लोग कामयाब हुए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ना सिर्फ यहाँ आके बोलने के लिए बल्कि इसका केस लड़ने के लिए और इस तरह की एक बच्ची को, इस तरह के एक परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, जो बच्ची आज 200 से ज़्यादा और औरतों को जस्टिस दिलाने का काम कर रही है। इसने अपनी फ्लाइंग छोड़ दी, ये जो हवाई जहाज के मॉडल बनाती थी वो छोड़ दिया और वकालत पढ़ के इसलिए कि अपने जैसे लोगों को ये बचा सके इस सिस्टम से, इस समाज के उन दरिंदों से। और यहां तो एक रक्षक ही रक्षक था क्योंकि वो पुलिस का बहुत बड़ा अफसर था। He was an IPS officer, he was not a constable, mind you. और इसी के साथ ही मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे बुलाऊं अपनी दोस्त को, जिससे कि वो आए और आगे का सिलसिला बढ़ाए।